श्री हुकम देव नारायण यादव। टेन मिनट्स सभापति महोदय, टेन मिनट्स गिवन टू यू, प्लीज ट्राई। मेरे दल की ओर से एक ही लोकसभा क्षेत्र से लगातार 7 बार जीतने वाले हरेन पाठक जी ने वित्त विधेयक के संबंध में अपनी राय रखी और वित्त विधेयक के विभिन्न मुद्दों पर हमारे नौजवान साथी निशिकांत दुबे जी ने अपनी राय रखी। उस बात को आगे बढ़ाते हुए गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़ों की आवाज़ को उठाते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS से इस्तीफा देके लोकसभा सदस्य बने अर्जुन मेघवाल जी ने अपनी बात को रखी थी और हमारे साथी भूपेंद्र सिंह जी ने बात को रखी। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि भारत को एक योग्य विद्वान अनुभवी वित्त मंत्री तो मिला है, लेकिन निशिकांत दुबे जी ने कहा था कि आप हमारे इस लोकसभा के संसदीय लोकतंत्र के भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह विद्वान थे, चरित्रवान थे, धर्मात्मा थे, भारत के महान पुरुष थे उस समय के, लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि उनका राजा धृतराष्ट्र आँख का अंधा था। इसलिए भीष्म पितामह की बात जो होती थी राजा न देख ही नहीं पाता था। जो राजा आँख का अंधा हो, पुत्र मुँह में अंधा हो, राजमद में अंधा हो, सब तरह से अंधा हो, तो अंधे आगे रोना अपना दीदा खोना। उसी तरह श्री प्रणब मुखर्जी अच्छे विद्वान वित्त मंत्री हैं, लेकिन भीष्म पितामह यदि हैं तो उनका राजा अंधा कौन है, खोजना उनका काम है, बाकी खोजना हम लोग तो समझते ही हैं कि बात कहाँ है। सभापति महोदय, मैं इस बात की ओर ध्यान देना चाहता हूँ कि वित्त विधेयक पर चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि वित्त विधेयक के संबंध में बात करो। आखिर वित्त विधेयक का मतलब है वित्तीय प्रबंधन, और वित्तीय प्रबंधन का मतलब है कि वैसे वित्तीय प्रबंधन जो समाज में समता लाए, विषमता मिटाए, निर्धनता मिटाए, संपन्नता लाए, समृद्धि लाए, राष्ट्र की एकता, अखंडता, समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाए और राष्ट्र को विश्व में एक नंबर पर ले जाए, उस कसौटी पर वित्त विधेयक को कसने का काम हम करते हैं। जब हमारे विपक्ष के ओर से हमारे सत्ताधारी पक्ष के लोग बोलते हैं तो समाजवाद, समता, ये सब बात को कहते हैं। मैं उनको एक और ध्यान देना चाहूँगा कि समाजवाद के सबसे आधुनिक युग के समाजवाद के सबसे विद्वान अर्थशास्त्री डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसी संसद में जब बोलते हुए लोकसभा वाद विवाद 16 मार्च 1965 को उन्होंने कहा था कि समाजवाद का मतलब क्या है, समझो। समाजवाद हर किसी अन्य सिद्धांत की तरह एक होता है थोक, एक होता है फुटकर, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण, एक होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद से एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी। उस बराबरी से एक सीढ़ी नीचे उतरो, आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी, उससे एक सीढ़ी नीचे उतरो, तब उसके बाद आएगी समता, संपूर्ण समता, संभव समता, तब एक सीढ़ी नीचे उतरो, तब अधिकतम और न्यूनतम सीमा लाओ। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि जब डॉक्टर लोहिया धार्मिक बराबरी की बात भी कहे थे तो आज अगर इस धार्मिक बराबरी की बात कोई दूसरा बोले तो उनको हमारे बहुत से लोहिया वाले साथी कहते हैं कि सांप्रदायिकता है, लेकिन लोहिया जो समाजवाद के दर्शन देने वाले थे और भारतीय समाजवाद के सबसे बड़े चिंतक माने गए, उन डॉक्टर लोहिया ने कहा कि बराबरी का मतलब इतना होता है। इस कसौटी पर हम कसना चाहेंगे कि क्या आज यह सरकार काम कर रही है। मैं किसान हूँ और किसान होने के नाते हर जगह खोजता हूँ कि किसान को क्या मिल रहा है या किसान को क्या नहीं मिल रहा है, इसलिए कि सबसे आज विपत्ति का मारा हुआ है, मुकद्दर का मारा हुआ है, दुर्दिन का मारा हुआ है, अपमानित हो रहा है, पीड़ित और प्रताड़ित हो रहा है, उपहासित हो रहा है, शोषित हो रहा है, तो उस वर्ग का नाम है किसान। और ये वो इसलिए भी हो रहा है कि एक तरफ इस देश के पूंजीपति, सत्ताधारी, नौकरशाह सब मिलके उसको शोषण करते हैं, तो दूसरे तरफ वो स्वयं अपने ही भारत के जाति प्रथा के दलदल में धसे हुए के कारण अपने जातीय नेताओं की दूम पकड़ के चलते रहते हैं, इसलिए भी वो दुख भोग रहे हैं। जिस दिन भारत का किसान अपनी जातीयता की दलदल को तोड़ेगा,
दल के बंधन को छोड़ेगा, राष्ट्रीयता के समर में खड़ा हो जाएगा, उस दिन भारत में किसान के भाग्य और भविष्य को कोई नहीं रोक सकता है। उस दिन भारत में किसान क्रांति होगी और एक ही आवाज आएगी कि हटो सत्ताधारी, मैं तुम्हारे सत्ता पर कब्जा करने आता हूं। आप किसानों की दुर्दशा की बात सुनोगे, 1951 में किसान 71.9% था, 2001 में वह किसान 54.4% रह गया। ये 17.5% किसान कहाँ चले गए? ये किसान से मजदूर बने हैं। जहां 1951 में खेतिहर मजदूर 28.1% था, वही 2001 में 45.6% हुए हैं, प्लस 17.5। अर्थात इस आजाद भारत में 17.5% किसान को खेतिहर मजदूर बनाने के लिए मजदूर किया है। उनकी जमीन चली गई, जायदाद चली गई, वह किसान था, वह जमीन का मालिक था, वह 17.5% खेतिहर मजदूर बन गया। दिल्ली में कहीं शहरों में जाके कमाता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, गगनचुंबी या टाइल का बनाता है। राजा रानी आते हैं, आगे में डियर, आगे में बियर है, बगल में डियर है और उसके आंख में केवल टियर ही टियर है। आंसू बहाता है, उस महल की छांव में सो जाता है। आज भी वो 10 से 15 लाख लोग इस दिल्ली में फुटपाथ पर सोते हैं, वो वही हैं जो किसान से मजदूर बन गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो। गांव में कोई ऊंची जाति के आदमी मजदूरी नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली में आके जाके देखो, ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, सड़क के किनारे खाके सो जाता है, जाड़े की रात में फटी बोरी की चट्टी सोता है, कुत्ता का बच्चा आता है उसी में घुस के सोता है। कुत्ता का बच्चा और इंसान का बच्चा एक ही बोरी के नीचे रात गुजारता है। यह है तुम्हारी दिल्ली। और दूसरे तरफ एक दिल्ली यह है जिसको कहते हैं नई दिल्ली। यह नई दिल्ली है, वह हिंदुस्तान है, यह इंडिया है, और इंडिया का खेल अलग ही है। इस पर जरा ध्यान देना और इस पर कसौटी कसना। आबादी बढ़ेगी, 2005 में जहां 345 है आबादी का घनत्व, 2025 में 440 हो जाएगा। आबादी बढ़ेगी, आदमी बढ़ेगा तो उसके लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, खेती की जमीन सिकुड़ती गई। 1984 में 11.11 करोड़ हेक्टर भूमि खेती की थी, 2008 में 13.11 से घट के 11.60, अर्थात 1.51 करोड़ हेक्टर जमीन खेती की कम हो गई। वो कहाँ चली गई? आपने किसानों को उजाड़ा, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए, बड़े बड़े वो क्या कहते हैं मकान बनवाए, बिल्डर्स आए, कमीशन खाए, हमको उजाड़ा गया, ऐसी जेड बनाए, पूंजीपति को लाए, अमेरिका वाला आ जाओ, इंग्लैंड वाला आ जाओ, जापान वाला आ जाओ, जर्मनी वाला आ जाओ, इटली वाला आ जाओ, फ्रांस वाला आ जाओ, तुम आके हिंदुस्तान को सजा दो और हिंदुस्तान के गरीबों को उजाड़ दो। इसलिए इस देश का नौकर शाह जो सामंतवादी चरित्र का है, हम किसान कहाँ से लाएंगे उनको डिनर कराएंगे, हम उनको कहाँ से लंच कराएंगे, हम उनको कहाँ 5 स्टार में ले जाएंगे, हम उनकी पार्टी कहाँ कराएंगे। लेकिन अमेरिका इंग्लैंड वाला आएगा डिनर में, लंच में उनके तय होंगे और हिंदुस्तान के शासन और भाग्य का फैसला होगा। सभापति महोदय, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ मोटा मोटी बात अपनी दिल की कहानी कह के ख़त्म करूँगा। महोदय, 1951 में 394.9 ग्राम अनाज प्रति व्यक्ति मिलता था और वो 1991 में 510.1 ग्राम हो गया। घटते घटते आज 2007 में 439.3 ग्राम है। किसानों को जो खाने का अनाज मिलता था, अनाज कम हो रहा है, कपड़ा कम हो रहा है। और आप कहते हैं देश में संपन्नता आ रही है, संपन्नता किसकी आ रही है? आईपीएल वाले की संपन्नता आ रही है। संपन्नता किसकी आ रही है जो अपनी पत्नी को जन्मदिवस पर हवाई जहाज देता है? संपन्नता उनकी आती है, एक जो कॉरपोरेट घराने का आदमी है, एक साल में 28 करोड़ 30 करोड़ रुपया अपना वेतन और भत्ता लेता है, और एक तरफ नरेगा का मजदूर है, औसत रूप से जोड़ो तो 5 रुपया रोज पर गुजारा करता है। एक तरफ नरेगा का मजदूर औसत रूप से 5 रुपया रोज पावे और एक तरफ 28 करोड़ से 30 करोड़ साल का वेतन भत्ता पाके इस देश को उड़ावे। क्या आपके कानून में है
कुछ रोक सकते हैं उनको रोकने का नहीं रोकिएगा, इसलिए कि चुनाव आता है वो थैली लाते हैं सबको पहुंचाते हैं, एक उनका थैली उनका होगा नोट, गरीब का होगा वोट, राज बनेगा आपका, आप तो नाचोगे आप मस्ती करोगे, जो लुटता है लुटता रह जाएगा, जात के पीछे वो दीवाने बने रहेंगे। आइए, मंगीलाल जी बोल रहे थे छोड़ते हो कहीं करते हो कहीं, अरे कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तीर चलाते हो कहीं मारते हो किसी को। इसलिए मैं एक दो शब्द कह के दो बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। अध्यक्ष सभापति महोदय, सभापति महोदय, इस देश में जहां नरेगा वाले 4 रुपया 60 पैसा प्रतिदिन औसत पर गुजारा करते हो, उसी देश में सुरक्षा जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा पर अगर बात किया जाए तो एक दिन में 52.7 लाख रुपया खर्चा होता है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर 52.7 लाख रुपया प्रतिदिन का खर्चा है, और एक नरेगा का मजदूर 4 रुपया 60 पर जीवन गुजारा करता है, यही भारत बनेगा क्या? वो हमारे उनके क्या सुरक्षा मिल रही है? इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, अब मेरी विनम्र प्रार्थना है, सुनो, भारत के प्रधानमंत्री का मकान 15 एकड़ जमीन में आवास बनेगा, और 15 एकड़ जमीन में हमारे दलित पिछड़े जाति किसान 15 एकड़ जमीन में एक गांव बसता है, और 15 एकड़ जमीन में प्रधानमंत्री का एक आवास बनता है। क्या गरीब देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही हो सकते हैं? गरीब देश का प्रधानमंत्री बनो, गरीबी की बात करो तो सर, इसीलिए सभापति महोदय, प्रधानमंत्री बोल रहे, आपका प्रधानमंत्री कहाँ रखता था? मैं एक मिनट में अपनी बात को समापन करूंगा, अब एक मिनट में अपनी बात समापन करूंगा। इस देश के लघु मझोले 10,54,390 करोड़ रुपया बकाया है, इस देश के छोटे मझोले बड़े उद्योगपतियों पर 10,54,390 करोड़ रुपया बकाया है। यह आतंकित प्रश्न संख्या 2893 24 जुलाई 2009 को सरकार ने इसी सदन में स्वीकार किया है। इस देश के उद्योगपतियों पर 10,54,000 रुपया बकाया हो, और इस देश के किसानों का 86,000 करोड़ 70,000 करोड़ माफ करते हो, हमें भीख की रोटी खिलाते हमें भिखमंगा समझते हो, देश के उद्योगपतियों को चलाने वाले, पूंजीपतियों को चलाने वाले, विदेशी कंपनियों को लाने वाले, विदेशी कंपनियों से साठगांठ करने वाले, अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से साठगांठ करने वाले, IPL करने वाले, स्विस में नौकरियां कराने वाले, इस देश को चलाने आए हो। हाँ, ये देश चलेगा आगे। प्रणब दादाजी, मैं तो कहता हूँ ये कांग्रेस पार्टी की दिशा बदलती, देश की दिशा बदलती, जब चंद्र बाबू को प्रधानमंत्री बनाते तो कुछ भारत का कल्याण होता, लेकिन आप बनाओगे नहीं, आपको नौकर चाहिए, आपको कोई ऐसा चाहिए जो अमेरिका की बात करे। इसलिए मैं इन्हीं सब के साथ प्रणब बाबू का सम्मान करता हूँ, उनकी नियत की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन जिस बात को जय जय